सांडे स्थित डीएवी मैदान में युवा आसू की ओर से आयोजित प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का फाइनल रखा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ग्रेडी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी, युवा नेता पीयूष चौधरी, पूर्व जिला पार्षद गोपाल चौधरी सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। ग्रेडी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि आसू पार्टी का प्रयास रहा है कि खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधा और सही प्लेटफॉर्म देकर उनकी प्रतिभा को आगे लाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी खिलाड़ियों को हर संभव मदद करेगी। देखिए, इसका कोई अंत नहीं है। जब तक समाज का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाए, जब तक हमारे छात्र पढ़ाई के क्षेत्र में, हालांकि रामगढ़ एजुकेशन हब बन चुका है, इसको और अच्छे से गति देना है और खिलाड़ियों को यहां से निकालना है, खिलाड़ियों को यहां से एक अच्छा लेवल देना है जिससे हमारा पहचान हो सके, जिससे गौरवान्वित होके रामगढ़ के वासी बोल सके कि ये हमारे जगह का प्लेयर है, ये हमारे यहाँ का खिलाड़ी है। खेल का आयोजन करते हैं और इस बार विशेष रूप से जो आज युवा आसू कमेटी की ओर से पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव के खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, वॉलीबॉल खिलाड़ी और बच्चे बच्चियां भी, लड़कों के साथ लड़कियों को भी आगे लाने के लिए यह बृहत रूप से हरेक प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम हुआ है और गोला प्रखंड, चितरपुर, रामगढ़ सभी क्षेत्र में यह आयोजन किया गया है, दुलमी में भी, और वहाँ से जो चयनित सेलेक्ट होकर जितने भी खिलाड़ी आएंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि उन तमाम खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर हम लोग सुविधा मुहैया कराएंगे, टेक्निकल उनको जानकारी देंगे और कोच के द्वारा विशेष प्रशिक्षण भी हम लोग दिलाएंगे ताकि राज्य स्तर और देश स्तर पर हमारे खिलाड़ी, प्रतिभावान खिलाड़ी आगे।